हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद सबसे पहली सोनोग्राफी कब करानी चाहिए। आपने औरतों को ये बात करते हुए सुना होगा हमेशा कि पहली सोनोग्राफी तो 3 महीने बाद होती है, कोई कहता है 5वें महीने में होती है, कोई कहता है 6वें महीने में होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहली सोनोग्राफी कब करानी चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी है। और जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, उसके तुरंत बाद हम एक बार डॉक्टर से जरूर मिलने जाते हैं। और डॉक्टर जब आपको देख के बताता है कि अभी कितने हफ्ते हुए हैं, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा वो यहाँ लिखता है कि 4 वीक्स है, 5 वीक्स, 6 वीक्स। तो हमेशा हम लोग प्रेगनेंसी वीक्स में काउंट करते हैं। तो जब आपका बच्चा 6 वीक का यानी 6 हफ्ते का हो जाता है, तब पहली सोनोग्राफी कराई जाती है। लेकिन अगर इससे पहले जब आप गए हैं कि जब आपके दिन या 2 या 3 दिन चढ़े हैं, तभी आप डॉक्टर के पास गए हैं और आप कोई दर्द की शिकायत लेके गए हैं या कोई ब्लीडिंग की शिकायत लेके गए हैं, तो सोनोग्राफी उसी टाइम भी करवाई जा सकती है। 6 हफ्ते की ये सोनोग्राफी हमें बताती है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही लगा है या कहीं बच्चेदानी के बाहर तो नहीं लग गया है, कहीं ट्यूब में, ओवरी में या बच्चेदानी के बाहर पेट में कहीं और तो बच्चा नहीं लगा है। ये सोनोग्राफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं पैदा हो रहे हैं या कहीं ट्रिपलेट या और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। इसी सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन के बारे में भी पता चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि सोनोग्राफी कितनी ज्यादा जरूरी है और ये 6 हफ्ते पे क्यों कराई जाती है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? बच्चे की जो धड़कन हमें सोनोग्राफी में सुनाई देती है, दिखाई पड़ती है, वो 6 हफ्ते से पहले नहीं सुन सकते। 6 हफ्ते एक कट ऑफ लिमिट है कि जब बच्चेदानी के रास्ते से जब सोनोग्राफी की जाती है, तब हमें पता चल पाता है कि बच्चे की धड़कन आ गई है। और जैसे ही आप बच्चे की धड़कन सुनते हैं, तो आपकी खुशी का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि आपको कितनी खुशी मिलेगी जब आप अपने बच्चे की धड़कन सुनते हैं। और हमें भी बहुत खुशी होती है आपको एक स्वस्थ बच्चा देने में। 6 हफ्ते पर जो नीचे से सोनोग्राफी की जाती है, उसी में बच्चे की धड़कन का पता चलेगा। अगर ये सोनोग्राफी पेट के ऊपर से करी जाएगी तो इतने अच्छे से नहीं पता चलता, तो हमें हो सकता है कि 1 हफ्ता और वेट करना पड़े। तो जब आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि सोनोग्राफी बच्चेदानी के रास्ते से ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाएगी, तो उसके लिए मना ना करें, डॉक्टर को सहयोग करें ताकि आपके बच्चे की धड़कन चेक की जा सके, आपके बच्चे की लोकेशन पता की जा सके कि बच्चेदानी के अंदर है या ट्यूब के अंदर है, ये पता लगाया जा सके कि बच्चे के नंबर कितने हैं, कि कहीं 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जनरली हमने ट्विंस देखे हैं, ट्रिपलेट्स देखे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो पहली सोनोग्राफी में ही पता चल पाती है। इसके अलावा बच्चा हेल्दी है, सही है, ये भी सब उसी टाइम पता चल जाता है। और एक सोनोग्राफी का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पक्ष है, इसी 6 हफ्ते की सोनोग्राफी से हमें पता चल पाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। जैसे हमने हमारे हिसाब से बच्चे के 6 हफ्ते हो रहे हैं, जिससे कि हमने महीने की तारीख से हम काउंट करते हैं, बट बाय चांस जब हमने सोनोग्राफी की तो हमें पता चला कि बच्चा 4 हफ्ते का है, 5 हफ्ते का है, या हो सकता है 8 से 10 हफ्ते का आ रहा हो। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे महीने इररेगुलर होते हैं, हमारा पीरियड की डेट से वो टाइम पे नहीं आती। कई बार हमें 2 महीना चढ़ के आ रहा है, कभी 3 महीना चढ़ के आ रहा है, कभी हमें पता नहीं चल पाता कि बच्चा कब लगा। तो ये सोनोग्राफी हमें ये बताती है कि बच्चे की एग्जैक्ट एज कितनी है, और इसी एज से ये जो फर्स्ट टाइम हमें जो डेट दी जाती है डिलीवरी की, वो ही लास्ट तक काउंट की जाती है जब महीने इरेगुलर होते हैं, महीने की तारीख हमारी फिक्स नहीं होती है। तो ये वाली सोनोग्राफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिलीवरी के टाइम के लिए, कि हमें बच्चे का ये पता चले कि 40 हफ्ते का बच्चा हो रहा है या कहीं कम है, कहीं डेट्स की गलती के कारण डेट्स में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए और बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाए, या डेट्स की गलती के कारण हो सकता है कि 40 हफ्ते पूरे होने के बाद भी हमने बच्चे को पेट में रखा हुआ और बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि जो इस पहली सोनोग्राफी से टाले जा सकते हैं, और आप डॉक्टर की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं आपको सही ट्रीटमेंट देने में। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि जब भी आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए, और डॉक्टर जो आपको एडवाइस देते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट बोलते हैं और सोनोग्राफी बोलते हैं, वो जरूर करवाइए। ये हमेशा आपके फायदे के लिए ही है, इसमें कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और सोनोग्राफी कराने से बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। कभी कभी हमारे दिमाग में एक बात होती है कि कहीं ज्यादा सोनोग्राफी होने से बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। सोनोग्राफी पूर्णतया सेफ है प्रेगनेंसी में, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आप ये कितनी भी बार करवा सकती हैं, कुछ भी असर नहीं होगा, हमेशा आपको फायदा ही होगा। इसलिए कभी भी इग्नोर ना करें और अपनी सोनोग्राफी जल्द से जल्द करवाइए,
और अपने साथ वालों को, अपनी सहेलियों को, अपने परिवार वालों को भी इसकी जानकारी जरूर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये नॉलेज कुछ इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे जरूर अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अरे जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।